मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो टोली है इसको मुसा टोली बोलते हैं। बहुत पहले जो जो सबसे एक तरह से समझिए तबका है जो 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 मूसा मार के खाता था, चूहा मार के खाता था, अब वो तबका देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं और बहुत ही एक माहौल ऐसा है, लोग घूरा ताप रहे हैं, कुछ लोग ताली भी पी रहे हैं। देखिए ये गांव का ये कस्बा है जिसमें करीब 500 लोग रहते हैं और इन लोगों को डेवलपमेंट कराने के लिए सरकार के तरफ से जो फंड आती है वो मुखिया सरपंच ये सब मिलकर खा जाते हैं और इन लोगों तक कुछ पहुंचता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार इस तरह के सोसाइटी को एक फोकस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की कोशिश करे, बच्चों को इन्वॉल्व करे। ये अभी मैं रमेश शर्मा जी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि लोग जो हैं यहाँ पे बच्चे लोग जो हैं स्कूल जाते हैं लेकिन रास्ते में ही जो बगीचा है उसमें खेलने लगते हैं और शाम में वापस आ जाते हैं और स्कूल पहुंच कभी नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्थिति में ये तो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर लोग हैं, तो इनको कौन देखेगा। तो आज मैं आपका इंटरेक्शन रूबी से कराऊंगा और रूबी जो है इसने इंटर की पढ़ाई की है और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टोली में ये पहली लड़की है जिसने 10th भी पास किया और 12th भी पास किया है। तो इससे बड़ा एक सामाजिक चेंज मुझे अभी तक नजर नहीं आया अपने विलेज में और इसको देख के मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत अंदर से सेटिस्फाइंग महसूस कर रहा हूँ। जहाँ से कोई सोच नहीं सकता था कि स्कूल जाएगा कोई बच्चा, वहां से इसने 10th किया, उसके बाद 12th किया, अब इसकी शादी भी हो गई है, इसके जो हस्बैंड है वो भी पढ़े लिखे हैं। तो लेट्स सी एंड मीट रूबी। जरा आप बताइए अपने बारे में, आप की पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैट्रिक तक पढ़ाई किया आपने और उसके बाद फिर आगे पढ़ने का भी इरादा है? बहुत अच्छा। और रूबी अभी आप पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल सकता है? मिल सकता है। तो अब आप कहाँ शादी हुई है आपकी? सैदपुर हुआ है। तो आपके जो पति हैं वो भी पढ़ाई लिखाई किया है? कहाँ तक पढ़ाई किया उन्होंने? इंटर तक पढ़ाई किया। तो अब वो भी नौकरी खोज रहे हैं या कुछ करते हैं? काम करते हैं। और बिहार में ही रहते हैं या कहीं बाहर जाके काम? बाहर। कहाँ है? जयपुर में है। अच्छा, और आपके बच्चे भी हैं? अभी नहीं हूँ। चलो बहुत अच्छा रूबी। आपसे और आपको जब आप पढ़ाई करते थे तो आपके बाबूजी ने या आपके बाबा ने या आपके दो जो ये देखिए ये आपके दोस्त फैमिली के लोग हैं, क्या इन लोगों ने आपकी सहायता की, मदद की कभी? बहुत मदद की। बहुत अच्छा। मित्रों आपने देखा कैसे गांव की एक लड़की बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस होते हुए भी अपने जज्बे को बरकरार रखती है और कम पैसे में भी अपनी पढ़ाई जारी रखती है, 10th पास करती है, 12th पास करती है, सोने में सुहागा, वो अब एक पढ़े लिखे लड़के से शादी भी करती है। मित्रों इसके अलावा गांव की और भी समस्याएं हैं, खासकर स्कूल को लेकर। उसके बारे में रमेश मीणा जी बताते हैं कि पहले गुरुजी लोग स्कूल में बच्चों पर ध्यान देते थे लेकिन अब नहीं देते हैं, इससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल जाकर स्कूल के रास्ते में ही खेलने लगते हैं और शाम में बस्ता लेकर वापस आ जाते हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं होता। रमेश शर्मा जी यही बता रहे थे कि ऐसे समस्या को हम कैसे हल कर सकते हैं। जरा रमेश जी बताइए, तो आपको लगता है कि सरकार को समाज को इसके बारे में कुछ करना चाहिए? ये शासन नहीं है। हाँ। जो मास्टर रहता है वहाँ ना, वो लड़का पढ़े या ना पढ़े अपना टंगड़ी डुलाते हैं मास्टर। हाँ। लड़का कहीं जाए कोई पता नहीं होता है। तो अब रमेश शर्मा जी यही बता रहे हैं कि टीचर को पहले आते थे लोग पूछते थे, अब कोई नहीं कुछ पूछता है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार का, खासकर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी का या नित्यानंद जी का जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके तरफ अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के समाज में, खासकर जो 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 बहुत ही डाउन ट्रॉडन समाज है, एक्सप्लॉयटेशन इनका बहुत ज्यादा हद तक होता है, इस तरह के लोगों के लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव जरूर, पर्सनलाइज इनिशिएटिव निकालना चाहिए। और मेरी यही आप सबसे गुजारिश होगी कि अगर आपके पास समय हो, टाइम मिले, तो कभी हमारे इस गांव में आइए, अपना श्रम दान दीजिए, इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कीजिए और इनके भविष्य में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लाने की जरूर कोशिश कीजिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों फिर मैं कभी जब अपने गाँव आऊंगा या किसी दूसरे गाँव में जाऊंगा तो आपको ऐसा ही एक रिपोर्ट फिर से आके लाके दूंगा ताकि आपसे सहयोग मिल सके और आप इस पर सोच सकें कि क्या हम पढ़े लिखे लोग कभी समय दे पाएंगे इस जगह पे आके, क्या हम इनके साथ उठ बैठ पाएंगे, क्या हम इनको अपने मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर पाएंगे। मित्रों आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे।